देश की जनता को गरीबी के नाम पे कई बार छला गया है और एक बार और छलने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की मोदी सरकार ने अपनी ईमानदार छवि और ठोस परिणाम से जनता का मन जीत लिया है, जिससे विचलित होकर कांग्रेस फिर एक बार झूठे वायदों से वोट लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव के वक्त फिर एक नारा दिया है, अब होगा न्याय। देश की सत्ता पर करीब 7 दशकों तक काबिज रहने के बाद यदि पार्टी कहती है अब होगा न्याय, तो क्या हम ये माने कि अब तक हो रहा था अन्याय? और इस अन्याय के लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेवार है। क्या हम अपेक्षा करें कि कांग्रेस इस घोषणा के साथ साथ जनता से माफी मांगेगी अपने किए गए अन्याय के लिए या प्रायश्चित करेगी? इसके पहले कांग्रेस की इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन जी की सरकार तक गरीबी हटाओ के नारे को तरह तरह से जनता के समक्ष पेश किया गया और जनता के साक्षर होता गया। गरीबी तो हटी नहीं, एक जीवन स्तर नीचे ही रहा। दुर्भाग्य है कि 70 बरस तक राज करने के बाद में इस देश के एक तिहाई से अधिक घरों तक बिजली तक नहीं पहुंची। अब ये एक नया नारा है तो लोग क्यों भरोसा करें और कैसे करें? राहुल जी कहते हैं कि नीरव मोदी, विजय माल्या आदि से वसूल कर इस योजना का खर्च निकाले, लेकिन बंधुओं ये तथ्य है कि विजय माल्या का आप सब जानते हैं कि जितना पैसा लेना है उससे अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और ये पैसा बैंकों का है। ये पैसा जिस दिन आएगा वो बैंकों को जाएगा, लेकिन इस योजना के लिए यदि उनका कहना है कि हम उस धन का उपयोग करेंगे, इसका मतलब बैंकों की हालत एक बार और वो फिर खराब करेंगे, ताकि हम बैंकों के बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह से सुबोध जी कहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार भी हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कि फिलहाल चल रही योजनाओं के खर्च में कटौती कर इस नई योजना का खर्च निकाला जाएगा। तो क्या हम मान के चलें कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही थी और जिसे बहुत सफलतापूर्वक नीचे तक पहुंचाया गया, जिसे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है, उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, क्या ये हम मान के चलें? हमारा तो मानना है कि न रौनक तेल होगा न राधा नाचेगी, एक बहुत पुराना कहावत है, तो ये इसी तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को ये पता है कि सरकार तो उनकी पनीर भी नहीं, इसलिए नया लॉलीपॉप लेकर आए हैं और यह सोचे बिना सोचे हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएगी। अंदाज किया जाता है कि इसके तहत करीब 3.63.6 लाख करोड़ खर्च हो सकता है, जो सोशल स्कीम पर 2019-20 के तय बजट 3.34 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अनेक योजनाओं को मिलाकर के 3.34 करोड़ लाख खर्च हो रहा है, सालों से मिलाकर के एक ज़्यादा है।